पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। एक लड़की के साथ रेप होता है नेहा निषाद के साथ, सुबह उसकी लाश जला दी जाती है। लाश कौन जलवाया? एसपी महोदय, मैं आपको क्या कहूँ, आप तो जातिवाद के कट्टर शिकार हो। नेहा निषाद को बिना पोस्टमार्टम किए लाश जला क्यों दी गई? गांधी जी के तीन बंदर बने हो पिछड़े समाज के लोगों। तेरी बहन के साथ होगा रेप, तब पिछड़े समाज के लोगों तुझे याद आएगा कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे निषाद हो, बिंद हो, कश्यप हो, पटेल हो, पाल हो, यादव हो, राजभर हो, चौहान हो, धोबी हो, धरिकार हो, बड़े पैमाने पर सरकार के इशारे पर पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही। हम एक घटना बड़ी तेजी से फेसबुक पर वायरल हो रहा है और हम निषाद समाज और कश्यप समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, बिंद मल्ला से, कि जरा देखो, एक लड़की के साथ रेप होता है नेहा निषाद के साथ और सुबह उसकी लाश जला दी जाती है। लाश कौन जलवाया? मामले को छुपाने वाले लोग। जब गांव में चारों तरफ हल्ला हुआ तो किसी तरफ पुलिस को सूचना लगी और पुलिस इस मामले को दबाने में तुली हुई है। जब लड़का जो उसके साथ सोया था, जो उसका भाई, वो कह रहा कि तीन लोग थे, तो पुलिस कह रही है कि नहीं, एक लोग थे। उस थाने के दरोगा को तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और जिले के एसपी महोदय, मैं आपको क्या कहूं, आप तो जातिवाद के कट्टर शिकार हो, जातिवाद के कट्टर शिकार हो। हम आपसे पूछना चाहता हूं कि यह घटना, लाश जलाई गई साबूत साफ छुपाने के चक्कर में, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन लोगों ने उस परिवार को उसका करके उस लाश को जलवाया बगैर पुलिस को सूचना दिए? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? हमारी बात तो बड़ी कड़वी लगती होगी, आप सुने सुनते होंगे। तो नेहा निषाद को बिना पोस्टमार्टम किए लाश जला क्यों दी गई? किसने जलवाया? इसका खुलासा हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम डीजीपी महोदय, एडीजी लाइन ऑर्डर, हम आपसे कहना चाहूंगा कि आप पोस्टमार्टम नहीं हुई लाश जला क्यों दी गई? ये कौन लोग हैं जो उस परिवार को उसका करके लाश जलवा दिए? क्या इसकी जांच हुई? क्या ऐसे लोग पकड़े गए? पर्दा डालने की रही है। गोंडा में निषादों के साथ घटना हुई, एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा। संत कबीर नगर खलीलाबाद, वहां निषादों के साथ घटना हुई, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। बड़े दुख की बात है। इस नाते टीवी पर आकर के तो बैकवर्ड नेता बड़ा भाषण दे रहे हैं। शर्म करो यारों, गांधी जी के तीन बंदर बने हो पिछड़े समाज के लोगों। राजभर की हत्या बनारस, राजभर की हत्या मऊ, राजभर की हत्या जौनपुर, राजभर की लड़की के साथ रेप करके मारा जाता है जौनपुर, और टीवी पर बयान देते हो कि नहीं कुछ नहीं है। जब तेरी बहन के साथ होगा रेप, तब पिछड़े समाज के लोगों तुझे याद आएगा कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। याद करो, वहां घूंगा बहरा बन के मत बैठो, शर्म करो तुम लोग। समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कम से कम तो बोलो सरकार में हो और गांधी जी के तीन मंदिर बने हो। एक आंख बंद किया हुआ कि हम नहीं देखते हैं, एक कान बंद किया हुआ कि हमको सुनाई नहीं दे रहा कितना उस समाज चिल्ला, एक मुंह बंद किया हुआ है कि हम बोलेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। इस तरह के पिछड़े समाज के नेता सत्ता में बैठ करके अंधभक्ति कर रहे हैं। ऐसे अंधभक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम मानवता अपने में पैदा करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।